बड़ी जो आपकी मुहिम है पर्यावरण वन विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो वन क्षेत्र को किस तरीके से संरक्षित रखना है, किस तरीके से संवारना है, किस तरीके से सजाना है, उसके लिए आप लगातार देखिए इस वन विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ राजेंद्र नगर में। जैसा कि आज यहाँ पे मैक डोबेल गोलंबर पार्क पार्क 2 और पार्क 3 का आज यहाँ पे लोकार्पण किया जा रहा है बिहार सरकार मंत्री माननीय तेज प्रताप यादव द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले भी एक पार्क का उद्घाटन हो चुका है, यहाँ पे आज 2 और 3 पार्क का लोकार्पण लोगों के बीच सौंपा जा रहा है। जैसा कि पटना को स्मार्ट सिटी स्वच्छ बनाया जा रहा है, पटना में तमाम व्यवस्था दी जा रही है, उसी को लेकर आज यहाँ आप देख सकते हैं पार्क 2 और पार्क 3 जो मैक डोबेल गोलंबर है, पार्क 2 पार्क 3 का यहाँ पर लोकार्पण माननीय तेज प्रताप यादव जो बिहार सरकार मंत्री हैं उनके द्वारा आज यहाँ पर लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम व्यवस्था, यहाँ पर टहलने का, घूमने का, बैठने का, पानी की व्यवस्था है, तमाम साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, पेड़ पौधा से पूरी तरीके से लाइस है, आप देख सकते हैं। जो आपकी मुहिम है पर्यावरण वन विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो वन क्षेत्र को किस तरीके से संरक्षित रखना है, किस तरीके से संवारना है, किस तरीके से सजाना है, उसके लिए आप लगातार देखिए इस वन विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार हमारा इसमें प्रयास रहता है कि पार्क बने उसमें और लोग जो है नगर के जो लोग हैं और पटना के खासकर जितने लोग हैं और जहाँ जहाँ पार्क का जीन अवस्था में पड़ा, हम तो पार्क का लगातार जब से डिपार्टमेंट संभाले हैं तब तो हम तो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पार्क है और उसको हम लोग चिन्हित करके उसको पूरे तरीके से डेवलप कर रहे हैं। आज से यहाँ से शुरुआत हुआ है और शशिकांत जी हैं, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से इसको डेवलप करें और लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो, खासकर जो पटना के लोग हैं वो आए टहलें और अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह सब कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तरह तरह का। इसमें अभी जिस तरीके से हमने पीपल का जो वृक्ष है जो ऑक्सीजन बहुत अच्छे मात्रा में उसका देता है तो वो उसको हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत कर दिया है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी पीपल पूजनीय है तो हम लोगों ने पार्क में जहाँ जहाँ है तो पीपल का ही और भी जो फलदार वृक्ष है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाने का ये हम लोग सब लोग को बोल रहे हैं और पार्क का भी 16 पार्क का भी करना है। एक सवाल है कि मॉनसून का महीना कहा जाता है कि पौधे लगाने का मौसम है, पार्क में अभी भी कई स्कोप है आपके विभाग द्वारा, ठीक है पौधे लगाए जा रहे हैं लेकिन आम जन कोई मोहल्ले वाले स्थानीय लोग अगर ग्रुप बनाकर पार्क में अगर जगह हो किसी कोने में पौधा लगाना चाहें तो क्या वो सरकारी पार्क में लगा सकते हैं? कहाँ नहीं लगा सकते हैं, पौधा लगाना है अपने घर में जिनके पास अगर जगह रहता है तो जगह में भी लगाते हैं और जिनको पौधा लगाने का इच्छा तो हम थोड़े उनको बोल देंगे आप पौधा मत लगाएं। राम कुमार पांडे, आज यहाँ पे कौन सा पार्क का आज उद्घाटन हो रहा है? मैक डोबेल फेज दू और 2 और 3 का, 3 का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? उद्घाटन वन मंत्री तेज प्रताप यादव। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? विभिन्न तरह के यहाँ पे खाद का व्यवस्था है, पार्क में टहलने का है, यहाँ नर्सरी का सिस्टम है, विभिन्न तरह का पेड़ पौधा है, फूल है, इस तरह का है। यहाँ पर देख रहे जिम भी है, जिम भी है, यहाँ पर जिम का भी सुविधा है। जिम में कौन कौन आ सकते हैं, कितना एज का भी उसमें कुछ है? ये बच्चों लोग के लिए है कि बड़े? बच्चा लोग के लिए नहीं है, प्रतिबंधित है, लेकिन लोग का बच्चा लोग घूमने के लिए ऐसे उम्र दराज आदमी जो है जिनकी जरूरत है आवश्यकता है वो है उन लोगों के लिए ये चीज़ है जिम। पार्क का टाइमिंग क्या? हाँ टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 7 से 8:30 चलता है, 8 बजे दिन भर खुला रहता है। दिन भर खुला रहता है सर।